का पानी बह रहा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पानी बहता हुआ, तो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और चलिए उधर दोस्तों, सामने जो आप लोग देख रहे हैं ना, एक बात है जब ना, तो यहाँ बैठने का मज़ा अलग ही होता है गर्मी के मौसम। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ अनाज सागर झील, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल है, एक फेमस झील है अजमेर की। तो चलिए इस लेक को, इस झील को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोग ये जगह देख रहे हैं ना, यहाँ से हमें टिकट लेना होता है, और टिकट लेने के बाद ही हम अंदर एंट्री करेंगे। टिकट जो है पर पर्सन का 25 रुपये का है। तो चलिए टिकट लेते हैं और अंदर एंट्री करते हैं। तो इस तरीके का टिकट मिलता है, ये 25 रुपये का है, और अंदर चलिए एंट्री करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर चेक कराना पड़ेगा टिकट को। तो हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद में ये जो डल लेक है, जो अनाज सागर झील है ना, इसके आसपास में ये जो आप लोग बाउंड्री देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो ये बाग है, ये जो गार्डन है, इसका नाम है सुभाष बाग। इसके अलावा इसका जो पहला नाम था वो दौलत बाग था, तो अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों को इसी बाग को दिखाता हूँ। लेकिन जैसे ही आप लोग अंदर आएंगे ना, तो इस तरीके की ये बैठने की जगह बनी हुई है। तो ये 12 दरी हैं, एक उधर की साइड में, एक ये और एक ये, तो टोटल यहाँ पर ये 3 12 दरी हैं, जो कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इनको बनवाया था वाइट मार्बल से। देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं वाइट मार्बल से बनी हुई है, और यहाँ पर फ़ोटो शूट करा सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इधर की साइड में जब हम अंदर जाएंगे ना, तो ये वही पुराना मुग़लों के दौर का बाग है। और ये जो अनाज सागर झील है ना, ये एक ऐतिहासिक झील है दोस्तों। इधर की साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ना, यही अनाज सागर है। मैं आपको अभी आगे लेके चलूँगा, और हो सकता है हम बोटिंग भी करें। तो बोटिंग का जो टिकट होता है वो अलग से लेना पड़ता है, लेकिन अभी अंदर एंट्री करने का, यहाँ का घूमने का जो टिकट है वो 25 रुपये होता है। बाकी बोटिंग का अलग होता है, वो वहाँ जा कर के पता चलेगा कितना किराया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल जानकारी दे देता हूँ। ये जो अनाज सागर झील है ना, ये बनाया था सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दादा ने। तो ये बहुत पुरानी लेक है, बहुत पुरानी झील है, जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दादा ने इसको तैयार कराया था। ये कृत्रिम झील है, कुदरती झील नहीं है दोस्तों। इस अनाज सागर झील के आसपास में जो ये गार्डन बनवाया था, ये बनवाया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने। और मैं आपको चलिए इस गार्डन को दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। अभी ऊपर की साइड में तो ये अलग है, लेकिन यहाँ से जो मेन गार्डन है वो मिलता है आप लोगों को यहाँ से देखने को। देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर। देखिए ये तो नई चीज़ें लगी हुई हैं बच्चों के लिए, ये ट्रेन वगैरह है। इसके अलावा यहाँ पर फव्वारे का भी इंतजाम है, और काफ़ी बड़ा ये उधर तक गार्डन है। तो अभी फ़िलहाल मैं गार्डन तो नहीं घूमने वाला हूँ, लेकिन मैं घूमने वाला हूँ इस डल लेक को। तो चलिए चलते हैं डल लेक के पास में, उधर की साइड में, और आप लोगों को थोड़ा और मैं जानकारी देता हूँ जो ये 12 दरी हैं, ये किस तरीके की बनी हुई है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके की ये 12 दरी बनी हुई है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके की ये 12 दरी है। ये बैठने का इंतजाम हुआ करता था असल में, तो यहाँ पर बैठ सकते हो आप लोग। यहाँ से ये जो लेक है अनाज सागर, इसका नज़ारा ले सकते हो, इसकी खूबसूरती को यहाँ से निहार सकते हो। तो देखिए, एक ये इधर की साइड में है ये 12 दरी, और इसके अलावा 2 उधर की साइड में, टोटल 4 हैं ये। और देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। इधर की साइड से आप लोग देख सकते हैं पहाड़ी, और वो जो ये पहाड़ी है ना, काफ़ी दूर है। और अभी हम चलेंगे उधर की साइड से, उधर की साइड जो बोटिंग की जाती है ना, बोटिंग का जो टिकट होता है वहाँ से लिया जाता है, वहीं से आप लोग बोट में बैठ सकते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट है बीच में, वहाँ पर एक टापू सा है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। वहाँ पर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, बैठने खाने पीने का है वहाँ पर, बच्चों के झूले वगैरह हैं। तो अभी हम चलिए उधर की साइड चलते हैं, टिकट लेते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं बोट में। तो इस अनाज सागर झील के अंदर जाने के लिए, बोटिंग करने के लिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जब जाएंगे तो एक छोटा सा ये पुल मिलेगा। इस पुल को क्रॉस करने के बाद में आप उधर की साइड पहुँचेंगे, वहाँ पर टिकट घर है। तो देखिए ये बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर, पुल का पानी बह रहा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पानी बहता हुआ। और अभी ये हरारा पानी दिख रहा है, क्योंकि जो काई है ना, इसके अंदर वो काई ज़्यादा है, तो इसलिए ये हरारा पानी दिख रहा है। उसके बाद में देखिए ये पुल इधर की साइड से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और चलिए उधर की साइड चलते हैं और आपको दिखाते हैं और बेहतरीन नज़ारे। दोस्तों अगर आप लोग जब भी अजमेर आते हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है घूमने का। तो अभी चलिए उधर चलते हैं और टिकट लेते हैं। यहाँ से हमने 120 रुपये का टिकट ले लिया है। खाली बोट का कितना रहता है? खाली बोट पर घूमने घूमने का, टापू पर जाने का सेम?
तो अभी दोस्तों बोट स्टार्ट हो चुकी है और देखो अभी पहुंचने वाले हैं उधर की साइड। दोस्तों सामने जो आप लोग देख रहे हैं ना एक बड़ा सा यार्ड आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो भैया यहाँ पर एक बड़ा सा यहाँ पर ये यार्ड है और देखो सिर्फ 2 मिनट में ही हम टापू को पहुंचने वाले हैं। देखियो ये जो पॉइंट है, जो टापू है, हम पहुंच चुके बस। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस टापू के पास में जो हमने आपको बताया था ना कि पॉइंट है। तो देखिए ये पॉइंट आ चुका, बस पहुंचने ही वाले हैं और आपको दिखाते हैं इस टापू को, इस पॉइंट को, क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या एक्टिविटी है। तो भाई अभी उतरते हैं और चलते हैं उधर की साइड में। तो भाई सिर्फ 2 मिनट लगे यहाँ आने में क्योंकि दूरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लगभग 500 मीटर की दूरी थी। और यहाँ आने के बाद में देखिए सबसे पहला तो पॉइंट है ना ये पुल, ये छोटा सा ये पुल बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पर आप लोग रील्स या फ़ोटो शूट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर आपके फ़ोटो या रील्स आएंगे। और इधर की साइड में देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर नाव है और उधर की साइड में शायद एंट्री का भी टिकट है। क्या भैया एंट्री का भी टिकट है क्या? कितने रुपये का? बोट वाला टिकट जमा बताया यहाँ पे बस। ठीक है भाई साहब, ये टिकट जमा कर दिया और पहुंच गए अंदर। अंदर पहुंचने के बाद में जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। देखिए बच्चों के खेलने की सारी चीज़ें जो होती हैं ना उधर की साइड में, झूले वगैरह और इनको क्या बोलते हैं ये चीज़ें, उधर की साइड में एक वैसी बोट रखी है इधर की साइड में। आज काफ़ी गर्मी है और यहाँ पर टहलते हुए काफ़ी गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही है, तो थोड़ा जूस पीते हैं। यहाँ पर ये गन्ने का जूस मिलता है तो गन्ने का जूस पी लेते हैं। ये जो भाई साहब ये क्या, यहाँ पे राजस्थानी पोशाक किराए पे मिलती है क्या? किराए पे? तो यहाँ पर किराए पे ये पोशाक मिलती है, यहाँ पर इसको पहन करके आप लोग फ़ोटो शूट करा सकते हैं। ये बच्चों की है बड़ों की है? दोनों की। क्या किराया रहता? अच्छा उधर लिखा हुआ है तो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप अगर आप आते हो ना तो यहाँ पर राजस्थानी पोशाक पहन के आप लोग अपने फ़ोटो शूट करा सकते हो। तो देखिए लेडीज़ जो ड्रेस है ये 100 रुपये की है, जेंट्स की 100 रुपये की है, बच्चों की 50 है और कपल ड्रेस यानी कि दोनों की 200 हो गई। तो 100 का हिसाब है बड़ों का, बाकी 50 बच्चों का है। और देखिए यहाँ पर जो राजस्थानी जो ये होते हैं ना आभूषण, तो कुछ इस टाइप के होते हैं, तो इनको पहन के आप लोग ड्रेस पहन करके फ़ोटो शूट करा सकते हैं। जूस पी लिया है और जूस पीने के बाद में चलते हैं उधर की साइड में, कुछ एक्टिविटी उधर भी हैं। तो सामने आप लोग देख सकते हैं कुछ तरीके का पार्क है, ये पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा शाम के समय अगर आप लोग आते हैं तो। क्योंकि शाम के समय होता ही है कि अनासागर से ठंडी हवा आती है और ठंडी हवा आती है जब ना तो यहाँ बैठने का मज़ा अलग ही होता है गर्मी के मौसम में खास करके। और यहाँ पर ये सामने आप लोग बंजारा देख सकते हो, बंजारा ये एक धुन बजा रहा है और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, शायद ये कैंटीन भी है यहाँ पे। हाँ ये कैंटीन है, कैंटीन से आप लोग कुछ भी लेकर के यहाँ खाइए और अपना आराम से ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाइए। तो अभी मैं यहाँ पर रुक नहीं रहा हूँ बल्कि मैं जा रहा हूँ दूसरी साइड में जहाँ से हम आए थे, यानी कि बारादरी की साइड में मैं जा रहा हूँ। बारादरी पर जाने के बाद में कुछ फ़ोटो शूट कराएँगे, वीडियो शूट कराएँगे। यहाँ खड़ा नहीं होना है, नहीं जाना तो अंदर जाओ वापस, हवा तेज चल रही है। नहीं ये